हेलो एवरीवन, आरएचएल 6 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी आरएचएल 6 मशीन को यम सर्वर का क्लाइंट कैसे बनाते हैं। तो पिछले वीडियो हमने सीखा था यम सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और इस वीडियो हम सीखेंगे कि किसी आरएचएल 6 मशीन को यम का क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास ये लैब थी, कॉन्फ़िगरेशन लैब। इस मशीन को हमने यम सर्वर बनाया था और उसका आई पी एड्रेस था 172.18.209.9 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। हमारी जो यम क्लाइंट मशीन है उसका आई पी एड्रेस है 172.18.209.10 और उसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे जो यम मशीन है, यम क्लाइंट है, उसका NIC प्रॉपर कॉन्फिगर है या नहीं। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कमांड है इप कॉन्फिग और फिर उस लैंड कार्ड का नाम लिखना जिस पर अपना आई पी एड्रेस कॉन्फिगर किया है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्फिगर है पहले से 172.18.209.10। अगर कॉन्फिगर नहीं है तो सबसे पहले आप NIC को कॉन्फिगर करें और उसके बाद में इसको सर्वर से चेक करें कि ये सर्वर से कनेक्ट है या नहीं। तो सर्वर का जो हमारा आई पी एड्रेस था वो क्या था, 172.18.209.9। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करें। तो देखिए सर्वर से हमारा कनेक्ट है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी कुछ स्टेप थी जो इसमें लिखा है। कनेक्टिविटी चेक करने के बाद में आपको एक रेपो फाइल क्रिएट करनी है, लोकल रेपो फाइल, जिसमें ये आपको पाथ देना है। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं ये रेपो फाइल। रेपो फाइल आपको कहाँ क्रिएट करनी है, सबसे पहले आप जाइए ATC फिर yum.repos.bin, इसके अंदर आपको रेपो फाइल क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए कमांड है vim और server.repo। ये ध्यान रखिएगा कि फाइल का जो नेम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पीछे .repo एक्सटेंशन होना चाहिए। सबसे पहले आपको ID क्रिएट करनी है इसकी, और सबसे पहले आप इंसर्ट मोड में जाइए। vim एडिटर यूज करें तो सबसे पहले कुछ भी आपको लिखना है फाइल में तो आपको क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में इसका ID लिखिए सर्वर। उसके बाद में नेम आपको असाइन करना, तो नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ उसको यम क्लाइंट। उसके बाद में बेज URL, तो बेज URL सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो URL था वो हमारा क्या URL था, यानी हमारे जो सर्वर का एड्रेस था, हम सर्वर पे जो यम सर्वर ने कॉन्फिगर किया था उसको हम FTP के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो हमारा जो पाथ रहेगा वो ये रहेगा 172.18.209.9। तो देखिए ये रहा पाथ माय सॉल्यूशंस, फिर ये पाथ आपको वहाँ पे कॉपी कर देने का है। ठीक है, उसके बाद में GPG चेक इज इक्वल टू 0, हमें की वेरिफिकेशन नहीं करना अभी, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं 0, इसको ऑन रख रहे हैं। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, या 0 का मतलब आप कह सकते हैं ऑफ या 1 का मतलब ऑन। फिर इनेबल्स, अगर आपको प्लगइन्स इनेबल करने हैं तो यहाँ पर आपको 1 करना है। उसके बाद इस फाइल को सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि यम सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। तो कोई भी पैकेज सर्च करके देखिए, यम सर्च HTTPD ये चेक करेगा यम सर्वर से, देखिए उसके पैकेज को मिल रहे हैं, मतलब आपका ये जो यम क्लाइंट है उसे डाउनलोड कर सकता है, यानी आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्फिगर हो चुका है। अब कोई भी पैकेज इंस्टॉल करके देखिए, यम इंस्टॉल HTTPD स्टार, तो देखिए इसको HTTPD के 4 पैकेज मिले हैं। अब ये कह रहा है चार पैकेज इसके हमें मिले हैं, क्या ये सही है, तो इस दिस ओके। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप यहाँ पे क्या प्रेस करें, वाई प्रेस करें और फिर एंटर, ये चारों पैकेज इंस्टॉल कर रहा है।
चारों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार इनको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कमांड है, कोई भी आरपीएम पैकेज अगर आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आप उसके लिए कमांड लिख सकते हैं आरपीएम हाइफन क्यूए, क्यू यानी क्वेरी ऑल, और फिर उस पैकेज का नाम HTTPD। अगर एक ही पैकेज देखना है, सभी पैकेज देखना है, तो HTTPD स्टार। तो HTTPD के इतने पैकेज इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हमने क्या सीखा कि यम सर्वर का क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं। यम सर्वर का एडवांटेज क्या हुआ कि हर एक मशीन पर आपको उस RHEL 6 की जो पैकेज की जो DVD है उस पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी यम सर्वर से क्या होगा, आपको एक यम सर्वर कॉन्फिगर करना है और उसके थ्रू आप सभी मशीन पर पैकेज यम RPM पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी आपको केवल जो पैकेज का DVD है, जो भी पैकेज का इंस्टॉलेशन मीडिया है, वो सर आपको यम सर्वर कॉन्फिगर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में किसी क्लाइंट मशीन पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इसमें जो पैकेज जो इंस्टॉलेशन है वो कैसा रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा। दूसरा एडवांटेज क्या है यम सर्वर का, कि आपको मैन्युअली डिपेंडेंसी किसी भी पैकेज की इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। यानी वो सब डिपेंडेंसी कौन रिजोल्व करेगा, यम सर्वर। तो इस तरह आप आपके नेटवर्क में यम सर्वर कॉन्फिगर कर सकते हैं और यम सर्वर के थ्रू क्लाइंट मशीन पर आप RPM पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।